मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की सुबह हो रही है मलत में, कल शाम को गाँव आए हैं। और ये देखो अभी का मौसम, जय चुड़ेश्वर महाराज और चूड़धार में देखो अभी बर्फ पड़ी है। A few moments later. और ब्रेकफास्ट में आज हम बनाएंगे मशरूम की सब्जी। और सब्जी बनाएंगे हम चूल्हे पर, और गांव में आकर जब चूल्हे के ऊपर खाना बनता है तो उसका कुछ अलग ही टेस्ट होता है। तो यहाँ पर रेसिपी तो कोई नई नहीं है, वैसी ही है जैसे रोज़ बनाते हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि ये गैस पे नहीं चूल्हे पे बनाई जा रही है, लोहे की कढ़ाई में। और ये हो गए हमारे मशरूम फ्राई। अब हम इसको चूल्हे पे अच्छे से थोड़ा सा ताकि एब्जॉर्ब कर ले ये हमारे मसाले को, उसके बाद हम करेंगे ब्रेकफास्ट, चपाती बनाऊंगी मैं। ये देखो टीवी चला हुआ है पर इसमें पता नहीं ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, शायद वीडियो में। और थोड़ा थोड़ा सा झाड़ू कर दिया यहाँ पे, थोड़ा ब्रेकफास्ट के लिए अभी सभी आने वाले हैं। फ्रेंड्स अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है और मेरे हस्बैंड और महेश गए हैं स्प्रे करने, तो आपको भी दिखाते हैं बगीचे में किस तरह से स्प्रे की जाती है। मुझे ये भी नहीं पता है वो किस तरफ कर रहे हैं। और ये देखो हमारा, और ये है हमारे घर के पास के खेत, और इसमें भी सब में प्लांटेशन हुई है। सारे में एप्पल के प्लांट्स लगे हैं, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं। ये काफ़ी पहले के लगे हुए हैं हमारे डैडी ने, यानी कि हमारे ससुर जी के टाइम के ये वाले प्लांट्स लगे हैं। काफ़ी बड़े बड़े हैं, बहुत बड़ा बगीचा है। यहाँ पे भी है, थोड़ा यहाँ दूर जाके भी है एक बगीचा। तो हमारे मम्मी ही इसकी देखभाल करते हैं और साथ में महेश सारा काम करता है यहाँ पर बगीचे का। और ये लगे हुए हैं यहाँ पर जौ की खेती, क्योंकि गाय भी रखी है तो गाय के लिए भी काम आते हैं जौ। और भी बहुत जगह पे पूजा में क्या बोल रहा है, दवाई की दवाई। पत्ते ही पत्ते आए हुए है ना, पाइप फंस गई है। अभी वो नीचे से चिल्ला रहा है तो मैं इसको छुड़ाती हूँ। वो है महेश स्प्रे कर रहा है। ये भी हो गई, अभी अच्छे से फ्लावरिंग नहीं हुई है, कहीं कहीं पे फूल आए हैं जैसा कि आप देख सक रहे हो वीडियो में, लेकिन कुछ पौधों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है। महेश कर रहा है स्प्रे। ये देखो टाइम टाइम पे सेब में स्प्रे करनी पड़ती है, खाद डालनी पड़ती है, प्रूनिंग होती है, तौलिया होता है, बहुत कुछ काम होता है। और वैसे बगीचे तो हमारे बहुत है, बड़े बड़े से प्लांट्स हैं, और लेकिन हम सभी वर्किंग है घर पे, मम्मी रहते हैं, तो ये महेश के ही हवाले होता है सारा। महेश ही बगीचे की देखभाल करता है, यही सारा काम करता है जो भी बगीचे का काम है, तो इसके भरोसे ही हमारा। A few moments later.
यहाँ पर मैं कर रही हूँ धुलाई किसकी, ये देखो दाल, शाम को मैंने भिगोने को डाली थी ये उड़द की दाल। और ये बड़े से पतीले में अभी इसको धो रही हूँ मैं, और कुछ मैं धो चुकी हूँ, बहुत सारे डाले थे, अभी देखते हैं इसके क्या क्या बनाएंगे पकवान। आटा भी मैंने गूंद के रख दिया है यहाँ पर, इसमें ईस्ट मिलाया, ये थोड़ा सा ऑयल डाला है ऊपर से ये, ताकि इसमें पपड़ी ना बने। अब मैं इसको चूल्हे के ऊपर रख दूंगी ताकि ये गर्म हो जाए। ये देखो दोनों भाइयों को काम मिला है दाल पीसने का, उड़द की दाल पूरी फोर्स के साथ सारे पीस रहा है। Later. ये कौन आया? ये आई हमारी बिटिया रानी, ये देखो भक्तों की जय हो। या अयोध्या से और वृंदावन से लोग पहुंचे इधर, ये देखो जी अयोध्यावासी जो राधे 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 जीते रहो। और ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो मैं और संगीता अभी यहाँ पे बना रहे हैं डिनर, और डिनर में बन रहे हैं बहुत सारे पकवान जो आपके साथ दिन में शेयर किया था हमने, वो दाल पीसी थी उड़द की, उसके ये यहाँ पर बन रहे हैं अभी बाबर, हम इसको बाबर बोलते हैं, बबरू कचौरी जो मर्जी आप इसको बोलो, स्टफ्ड है ये पूरियाँ, इसमें दाल उड़द की दाल की स्टफिंग डाली है, और साथ में हमने बनाए हैं बहुत सारे वड़े, और चावल के आटे से जो पापड़ बने थे शिवरात्रि में वो भी तले हैं, तो ऑलमोस्ट वही खाना बनाया है जो शिवरात्रि में बनता है। तो ये था हमारा छोटा सा गेट टुगेदर ब्लॉग, अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें।